हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स इंस्टीट्यूट और दिस इज़ अरुण चौहान योर इंग्लिश ट्रेनर। और देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि है यूज़ ऑफ नीड। देखिए, यूज़ ऑफ नीड, नीड का नाम सुनते ही सभी बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि भाई नीड का माइंड मतलब होता है ज़रूरत, क्या यूज़ करना है नीड के लिए हमें ज़रूरत। अब अगर हमें वर्ब के साथ यूज़ करना होगा तो हमें क्या कैसे नीड को कैसे यूज़ करना है, अगर ज़रूरत थी के लिए यूज़ करना होगा तो हमें नीड को कैसे यूज़ करना है, ज़रूरत होगी इस वर्ड के लिए हमें नीड को कैसे यूज़ करना है। तो देखिए, नीड का कंप्लीट सॉल्यूशन आपकी इस वीडियो के अंदर मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो होता है नीड का, ये बच्चों को ये लगता है कि अब नीड और वॉन्ट में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे आप कहने लगो कि भाई इसके लिए भी हम ज़रूरत का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम ज़रूरत का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नीड की जो कंडीशन है, देखिए नीड और वांट में अगर हम सिर्फ एक सीधा सा एग्जांपल ले रहे कि मुझे पेन की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसके लिए आप आई वांट पेन का भी यूज़ कर सकते हैं और आई नीड पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। यहाँ पर हम नीड की जगह पर वांट का भी यूज़ कर सकते हैं और वांट की जगह पर नीड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कहने लगे कि मुझे पेन चाहिए, आई नीड अ पेन, ठीक है, मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, तो इन दोनों में दोनों का ही यूज़ सही माना जाएगा, कोई यूज़ आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहले नीड का जो यूज़ है हमारा प्रेजेंट में कैसे यूज़ करना है, ठीक है। देखिए, अगर आप सिंपल नीड का यूज़ करेंगे तो नीड में आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, सिंगुलर्स के साथ नीड, ठीक है। सिंगुलर्स में क्या यूज़ करोगे आप, नीड, ठीक है। सिंगुलर जैसे ही, शी, इट और किसी का नेम है, ठीक है ना, इट का यूज़ यहाँ पर मत करिएगा आप, ही, सी, इट और नेम के साथ इसका यूज़ करिएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे उसे बैग की ज़रूरत है तो उसे के लिए हमने क्या यूज़ किया, ही के साथ क्या यूज़ करेंगे, नीड्स, ही नीड्स बैग, ठीक है। मात्राओं में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरी हिंदी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट इंग्लिश में मैं डेफिनेटली कहता हूँ आपको 100% परफेक्ट बनाकर छोड़ूंगा। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा डजंट, क्या यूज़ करना है आपको, डजंट, ही डजंट नीड क्या आ जाएगा, बैग, ही डजंट नीड बैग, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिर्फ नीड, याद रखिए प्रेजेंट की बात कर रहे हैं इसलिए प्रेजेंट के ही रूल्स अगर कवर करेंगे पहले, तो नीड का यूज कहां पर करेंगे हम, यहां पर जरूरत, ठीक है। और देखिए, अभी जो हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ नीड पर काम करें, ठीक है, नीड टू की बात यहां पर नहीं की जा रही, ठीक है, नीड टू की बात यहां पर नहीं की जा रही। तो देखिए नीड, अब अगर मैं आपसे कहूं मुझे कार की जरूरत है तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई नीड अ कार, ठीक है ना, आई नीड अ कार। अब आप कहोगे कि सर इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, तो देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, आई डोंट नीड कार, मुझे कार की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि जब हम सिंगुलर बना रहे हैं तो यहाँ पर नीड्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने निगेटिव बनाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीड, यस बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर हम एस सी आई एस का यूज़ नहीं करेंगे, इसके निगेटिव में हमें डजंट नीड का यूज़ करना है और इसके निगेटिव में हमें डोंट नीड का यूज़ करना है, समझ आया। अब हम बात करेंगे नीड टू की, किसकी बात करेंगे, नीड टू की। अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप वीडियो को पॉज कर इसे कॉपी भी कर सकते हैं, ताकि आप साथ साथ वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स भी जनरेट कर लें, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, अब हम बात करेंगे नीड टू की, तो नीड टू में हमारे पास जो मीनिंग है बिल्कुल सेम है, जरूरत है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इस वाले नीड में और इस वाले नीड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यह है कि यहां पर हमारे पास वर्ब नहीं है, यहां पर हमारे पास वर्ब नहीं है और यहां पर हमारे पास वर्ब होगी, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे जाने की जरूरत है, मुझे जाने की जरूरत है,
तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई नीड टू गो। देखिए गो वर्ब है इसीलिए यहां पर नीड टू आया है, बैग वर्ब नहीं है इसलिए यहां पर नीड्स लगा है, कार वर्ब नहीं है इसलिए यहां पर नीड लगा है। आई होप की डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो देखिए जहां वर्ब नहीं होगी वहां पर क्या यूज करेंगे, नीड या फिर नीड्स, और जहां पर वर्ब होगी वहां पर आपको क्या यूज करना है, नीड टू। क्लियर है? अब इसका अगर आप निगेटिव सेंटेंस बनाने लगे तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, आई नीड नॉट टू गो, मुझे घर जाने की जरूरत या मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये था प्रेजेंट का कंसेप्ट कि प्रेजेंट में हमें नीड को किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पास्ट में हमें नीड का यूज कैसे करना है, निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे वीडियो को पॉज कर इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए अब हम बात करेंगे नीड, यूज ऑफ नीड इन पास्ट। अब देखिए पास्ट की बात हो रही है तो भैया था थी थे तो आएंगे ही। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे नीडिड। क्या बात करेंगे, नीडिड, सिंपल नीडिड। ठीक है, इसमें भी हमें याद रखना है कि हमें नीडिड कहाँ पर यूज करना है और हमें नीडिड टू का यूज कहाँ करना है, यही मेन डिफरेंस होगा इन दोनों के अंदर। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने हमें पहले ही बता दिया, अगर वर्ब का यूज करेंगे तो ये वाला यूज करेंगे, सॉरी अगर वर्ब का यूज नहीं होगा तो नीडिड का यूज करेंगे, और अगर वर्ब का यूज होगा तो हम नीडिड टू का यूज करेंगे। देखिए जहां पर भी टू आता है किसी भी, अगर किसी भी मोडल्स के अंदर, किसी भी टिपिकल्स के अंदर, किसी भी पर्टिकुलरली चीज के अगर साथ आपको टू दिख रहा है तो वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है ना, टू एज अ इन्फिनिटी काम करता है वहां पर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, मुझे बाइक की जरूरत थी। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा आई नीडिड बाइक। ठीक है, क्या सेंटेंस बनेगा, आई नीडिड बाइक। नेक्स्ट अगर इसका निगेटिव बनाने लगे आप तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डिड नॉट नीड बाइक, मुझे बाइक की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए सेंटेंसेस में आप जरा, ये तो हो गया सिंपल यूज ऑफ नीड। ठीक है, जरूरत थी के लिए, किसके लिए यूज करेंगे हम, जरूरत थी के लिए। अब यहां पर भी हम यूज करेंगे जरूरत थी के लिए, बट वी हैव टू यूज वर्ब हियर। ओके, सो क्लियर हुआ, इन नीडिड देयर इज नो नीड टू यूज वर्ब, इफ यू विल टॉक अबाउट नीडिड टू, सो वी हैव टू यूज वर्ब हियर। ओके, नेक्स्ट देखिए, मुझे पैसे कमाने की जरूरत थी। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा आपका आई नीडिड टू अर्न मनी। क्या सेंटेंस बन जाएगा, आई नीडिड टू अर्न मनी। समझ आया, वर्ब नहीं होगी तो नीडिड और वर्ब होगी तो नीडिड टू। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए कि हमें फ्यूचर में नीड का यूज कैसे करना है। ठीक है, अब फ्यूचर की बात करेंगे तो हमको यहां पर विल और शैल की हेल्प लेनी होगी। किसकी हेल्प लेनी होगी, विल और शैल की। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जरा ध्यान से, कि मुझे पेन की जरूरत होगी। ठीक है, मुझे पेन की जरूरत होगी, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई शैल नीड अ पेन। पेन वर्ब नहीं है, दैट्स वाई वी हैव टू यूज नीड हियर। पेन वर्ब नहीं है इसलिए हमने क्या यूज किया, सिर्फ नीड का। अब आप कहोगे कि सर वर्ब में विल शैल के साथ कैसे यूज करें, तो उसके लिए आपको एक और फॉर्मेट फॉलो करना होगा, विल शैल और उसके साथ नीड टू।
ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसका निगेटिव तो आप सिंपली बना ही लोगे, आई शैल नॉट नीड अ पेन, मुझे एक पेन की जरूरत नहीं है। अब देखिए विल शैल के साथ नीड का यूज कैसे करना है, जैसे मुझे किताब खरीदने की जरूरत होगी, तो या मुझे की जगह उसे कर देते, थोड़ा सा चेंजेस भी होने चाहिए, उसे किताब खरीदने की जरूरत होगी तो उसे के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ही के साथ क्या यूज करेंगे, विल, और अब हमें क्या यूज करना है, नीड टू, ही विल नीड टू बाय अ बुक, ही विल नीड टू बाय अ बुक, ओके। तो देखिए ये है आपके नीड का एक कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। एक बार और पर्टिकुलरली हम जल्दी से देखें, एक बार और जल्दी से रिवाइज करते हैं कि अगर प्रेजेंट की बात करेंगे, मुझे पेन की जरूरत है तो आई नीड पेन आ जाएगा, उसे पेन की जरूरत है तो ही नीड्स पेन आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया सिंगुलर में हमें नीड्स का यूज करना है और प्लूरल में हमें नीड का यूज करना है। अब हम आ जाते हैं पास्ट पे, पास्ट की भी दो कंडीशन है कि या तो हमें वर्ब का यूज करना है या फिर हमें वर्ब का यूज नहीं करना, जो कि यहां पर लिखा है। देखिए अगर आपको वर्ब का यूज नहीं करना तो नीडेड आ जाएगा, मुझे बाइक की जरूरत है आई नीडेड बाइक, मुझे बाइक की जरूरत नहीं है आई डिड नॉट नीड बाइक। अब वर्ब के साथ देखिए क्या यूज करना है हमें, मुझे पैसे कमाने की जरूरत थी आई नीडेड टू अर्न मनी, ठीक है। अगर इसका आप नेगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट नीड टू अर्न मनी, मुझे पैसे कमाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर में अगर वर्ब होगी तो विल शैल और नीड का यूज करेंगे, विल शैल और नीड का यूज करेंगे, और अगर जरूरत नहीं होगी तो विल शैल नीड टू का यूज करेंगे। देखिए सॉरी गलत हो गया, वर्ब नहीं होगी तो विल शैल नीड का यूज करेंगे और वर्ब होगी तो विल शैल नीड टू का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पर लिखा है मुझे पेन की जरूरत होगी आई शैल नीड अ पेन, मुझे उसे किताब खरीदने की जरूरत होगी ही विल नीड टू बाय अ बुक, ओके। सो ये था नीड का कंप्लीट कंसेप्ट। उम्मीद करता हूं आगे आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं कि इस सेंटेंस को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।